हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और सॉन्ग जो कि शान मूवी से है, जिसमें गाना है प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, काफ़ी दिनों से कह रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मेरी अपनी कोचिंग में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि लेसन अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई लेसन चाहें तो प्लीज़ मुझे मेरे इस नंबर पे, ऊपर वाला जो नंबर है इस 9811712421, इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बताना, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हूँ। तो ये लेसन उन्होंने मुझसे पूछा है, तो थोड़ा सा इंटरमीडिएशन है ये लेसन में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो लोग भी इसको बजाना चाहें वो बजा सकते हैं। उन्होंने मुझसे इसके अंदर जो मांगा है कि एक तो इसका इंट्रो पार्ट कुछ बोला है वो, और दूसरा उन्होंने मुझसे इस गाने के बारे में बोला है, तो वो मैं इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत सारे गाने मिलेंगे, और मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान जो भी सॉन्ग आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ मैं आपको दे सकूँ। तो ये सॉन्ग देखते हैं, इसमें एक इंट्रो पार्ट है गिटार का जो कि बज रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये एक पार्ट है जो कि बजाया गया है, और इस पार्ट में बेसिकली ये देखा जाए तो इंटरमीडिएशन के लिए भी, बिगनर्स के लिए भी, एडवांस लेवल के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा लेसन है, बिकॉज इसके अंदर एक तो अल्टरनेट पिकिंग यूज़ हो रही है ट्रिलिंग स्टाइल में, और दूसरी चीज़ जो है इसमें फिंगर मूवमेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं, तीसरी चीज़ ये स्पीड अप करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी स्पीड को बिल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है, तो वो भी आपको करना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें करना क्या है, कि वैसे तो अगर वेस्टर्नाइज म्यूजिक की तरह देखें तो आपके फिंगर को रोल होकर के आना चाहिए, पहले थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग है और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग है, तो जिन लोगों को रोल करना आता है वो तो रोल करके मूव करेंगे अपने, और जो रोल नहीं कर सकते हैं वो थर्ड फिंगर और ऊपर फिफ्थ स्ट्रिंग पर सेकंड फिंगर यूज करें, और थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग पर अपना फर्स्ट फिंगर यूज करें। तो इस लेसन में जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये मूव करेगा, कैसे ये चलेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग के, थर्ड फिंगर से, जो कि जी नोट है, और इसके ऊपर डी नोट फिफ्थ फ्रेट पर फिफ्थ स्ट्रिंग से ये यूज होगा, तो थर्ड फिंगर से बजाते हैं इसको, चार बार है और एक बार फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग का, और यहां खत्म कर देंगे फोर्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, यहां खत्म हो गई है, सॉरी। तो फिफ्थ फ्रेट रखेंगे चार बार, और एक बार डी नोट फिफ्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, और एफ नोट फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। चार बार बजाने के बाद में सेम पार्ट रिपीट होगा, बस एक स्ट्रिंग शिफ्ट कर दीजिए, नीचे आ जाइए, डाउन हो जाइए, तो नोट हो जाएंगे सी नोट, चार बार बजेगा, जी नोट एक बार बजेगा जो कि फोर्थ स्ट्रिंग पर है, और बी फ्लैट नोट, ए शार्प नोट जो है थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, वो बजेगा आपका फर्स्ट फिंगर से थर्ड फ्रेट पे। तो पूरा पार्ट मिला देते हैं, तो ये पार्ट हमने देखा कि ऐसा बजेगा। अब इसके बाद इसका गाना देखते हैं, जो कि सॉन्ग जो शुरू हो रहा है वो बेसिकली जो है आपका फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग जी नोट से, जी नोट, जी शार्प नोट, सी नोट और डी शार्प नोट,
8th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग का, 7th फ्रेट दो बार डी बजेगा, प्यार करने वाले प्यार, ई नोट 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, प्यार करने वाले प्यार करते हैं, डी सी सी, तो आगे जाएंगे ए नोट सेकंड फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग, सी फिफ्थ फ्रेट और बी दो बार, फोर्थ फ्रेट सेम स्ट्रिंग है थर्ड स्ट्रिंग, पूरा मिला लेते हैं एक बार इसको, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं, तो बी नोट फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, डी नोट सेवेंथ फ्रेट, बी फोर्थ फ्रेट और जी नोट फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग का जी नोट है ये, तो बी ए दो बार बजेगा, फिर उसके बाद दोबारा ए और सी, फिर ए और एफ, एफ जी शा दो बार बजेगा जी, तो एक बार पूरा देख लेते हैं, कि आपका स्टाइल अगर स्लाइडिंग आपका क्लियर है, अगर आप हैमर ऑन पुल ऑफ्स कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत गाना है ये, और इसको कोई रिदम बीट कोई बैकिंग ट्रैक लगा करके अगर आप बजा सकते हैं तो बजा लें, प्यार करने कि किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, रिदम के साथ बजा सकते हैं, बैकिंग ट्रैक ले लीजिए यूट्यूब से मिल जाएगा इजीली, वहां से भी प्ले कर सकते हैं, तो आपका इसके साथ साथ रिदम का सेंस भी जो है वो मजबूत हो जाता है, तो ये लेसन में आप बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा लेसन है आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी लेसन आप जानना चाहें मुझे पूछिए, पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।